हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल इस वीडियो में हम लोग हीरोन के फार्मूले, हीरोन के सूत्र की सहायता से निकालेंगे। तो देखिए, इसके लिए हमने एक त्रिभुज ले लिया है। देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर, जिसमें देखिए पी क्यू की लंबाई दिया गया है 20 सेंटीमीटर, क्यू आर की लंबाई दिया है 12 सेंटीमीटर और पी आर दिया गया 18 सेंटीमीटर। तो अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लिख लेंगे कि पी क्यू बराबर 20 सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर तथा पी आर बराबर 18 सेंटीमीटर। अब हमें इसको हीरोन के फार्मूले से करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम हीरोन का फार्मूला लिखेंगे। तो देखिए, हीरोन का फार्मूला होता क्या है। तो हीरोन का फार्मूला होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट कैडिमिक यस माइनस ए यस माइनस बी और यस माइनस सी। यही फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले से हमें करना है। अब यहाँ देखना है कि यस क्या है। तो देखिए, यहाँ होता है कि यस बराबर क्या होता है। आप लिख दें कि यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे दो। तो आप जानते हैं कि अगर इसको हम ए माने, इसको बी माने, इसको सी माने, तो ए के सामने की भुजा स्मॉल ए होगा और बी के सामने की भुजा स्मॉल बी होगा और सी के सामने की भुजा स्मॉल सी होगी। इस तरह से त्रिभुज का ये परिमाप हो गया। तो आप इस त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे। तो सबसे पहले आप त्रिभुज का परिमाप निकाल लेंगे। तो परिमाप निकालेंगे कितना हो जाएगा। परिमाप लिखेंगे आप यस बराबर आप लिख देंगे कि 20 प्लस 12 प्लस 18 और कुल के बटे दो। अब इसके बाद इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा। ये हो गया 18 12 30 30 20 50 हो गया, 50/2 हो गया, ये बराबर आ गया 25 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको आप फार्मूले में रख देंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए, अब लिखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा कि देखिए, यहाँ लिखेंगे कि अंडर रूट और इसके बाद यहाँ यस का मान लिखेंगे कितना। देख रहे हैं, यस का मान 25 है, यहाँ पर लिख देंगे 25। इसके बाद फिर देखिए, लिखा गया है यस माइनस ए, तो यस के स्थान पर आप 25 लिखेंगे। 25 माइनस यहाँ पर ये देख रहे कितना है, ये 20 है, तो आप यहाँ पर 20 लिख देंगे। इस तरह से ये हो गया। इसी तरह से आप फिर लिखेंगे 25 माइनस बी, तो बी देख रहे हैं कितना है, बी आपका 12 है, तो आप 12 लिख देंगे। इसी तरह से इसको लिखेंगे कि 25 माइनस 18। अब इन सबको आप हल करेंगे। तो देखिए कैसे हल करेंगे। तो हल करने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर अब इसको पहले सरल करेंगे। देखिए, हो गया 25 हो गया, और यहाँ देखिए 25 में से 12 को 20 को घटा दें, कितना जाएगा, आ गया 5। इसी तरह से 25 में से 12 घटाएंगे तो 13 आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे 13। और यहाँ पर देखिए 25 में से जब 18 घटाएंगे तो आ जाएगा 7। इस तरह से अब आपका आ गया अंडर रूट 25 गुणे 5 गुणे 13 गुणे 7।
तो अब हो गया 25 को आप लिख सकते हैं इस तरह से, 25 को बाहर कर देंगे तो 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 5 गुणे 13 और गुणे 7, तो आप क्या करेंगे, 13 से 91 हो गया 5, और कैडी में हो गया 13 से 91 हो गया, 91 में 5 का गुणा कर देंगे कितना हो जाएंगे, 91 गुणे 5। आप यहाँ पर रफली कर सकते हैं ऐसे करके, 91 गुणे 5 कर देंगे तो आ गया कितना, 5 × 1 = 5, 5 × 9 = 45, आ गया 455। यहाँ लिख देंगे 455, ये हो गया 455। इसके बाद अब 455 का आप क्या करेंगे, वर्गमूल कर लेंगे, तो लिखेंगे तो इस तरह से आप 455 लिख करके इसका वर्गमूल कहीं भी कर सकते हैं। लिख दें कि 455 और इसका वर्गमूल करेंगे तो देखिए इसका जोड़ा पहले बनाएगा, वर्गमूल करना आप जानते ही होंगे, देखिए 2 से 2 × 2 = 4 हो गया, 2 2 जोड़ देंगे आ गया 4। इसके बाद 55 उतारेंगे, 1 ले जाएंगे आ गया 41। इसके बाद देखिए आ गया यहाँ पर 4, 10 बढ़ाएंगे 0 आ गया। अब देखिए 1 के नहीं जा रहा है तो आप क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे इस तरह से, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे हो गया 00 आ जाएगा। इसके बाद 9 बार जाएगा तो आपका आ गया कितना, ये हो गया 5 × 21.09 हो गया। इसके बाद इसमें आप गुणा कर देंगे कितना हो जाएंगे, ये हो गया 5 × 9 = 45 और ये हो गया 5 × 1 = 5 और ये हो गया 5 × 2 = 10। इस तरह से क्षेत्रफल कितना आ गया, 105.45 cm². आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगी। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।